बस अब हमारी मेहनत जो है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी कर चुके हैं। अब जो बारी है वो ऑडियंस की है और मीडिया की है कि इस फिल्म को सपोर्ट करें और लोगों को मतलब बोलें कि आए वो, क्योंकि आपके माध्यम से आपके मीडियम से ये ऑडियंस तक पहुंचेगा कि फिल्म को वो देखने आए थिएटर्स के अंदर। तो ये मुझे लगता सब्जेक्ट है जी, एक एक बॉडी शेमिंग को लेके हमने देखा है कि जैसे मैं खुद भी, आप मुझे देख सकते हैं कि थोड़ा फैट साइड में ही हूँ, तो हमने देखा है कि मार्केट के अंदर लोग ना रुझाव बहुत देते हैं, अपने ओपिनियंस बहुत देते हैं कि यार तुम ऐसे नहीं हो वैसे हो जाओ, वैसे नहीं हो वैसे हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान की अपनी खुद की एक सोच होनी चाहिए, अब अंदर से एक आना चाहिए कि मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है और कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी सना और गौरव के साथ और रणदीप के साथ काम करना, कुमुद जी के साथ काम करना, क्योंकि सब धुरंधर एक्टर्स हैं अपने आप में, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन लोग सीन पूरा रेडी होके आते थे, मेरे साथ नरेशंस हो चुकी थी, तो काफ़ी ईजी था मेरे लिए, मतलब इतनी कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आई। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ना कि अगर हम लोग कैरेक्टर की बात करें सरोज की ना, तो सरोज अपने आप में, मतलब मुझे लगा नहीं कि कभी कि वो कोई रोल प्ले कर रही हैं। सना ने इतना इतना खूबसूरती से, इतना करेक्ट वे में, इतना उस कैरेक्टर के अंदर घुस के जो रोल प्ले किया है ना, हम लोग ने वहीं बैटल विन कर लिया था। सबसे बड़ी बैटल वहीं विन हो जाती है, अगर टाइटल रोल कोई निभा रहा है पोस्टर गर्ल पे तो उसको हमें समझाना नहीं पड़ रहा, वो ऑलरेडी वो इनहेरिटेंट था उसके अंदर। इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करेगा, इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करेगा, क्योंकि एक वुमेन ओरिएंटेड है एंड बॉडी शेमिंग है, तो कहीं भी हमने उसका नेगेटिव साइड नहीं दिखाया है, हमने बहुत ही पॉजिटिव वे में रखा है कि यार, और एक्चुअली मोटापा सिर्फ नाम के लिए है यार, आजकल वीमेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, आजकल मैटर ही नहीं करता है कि कौन है, कौन पतला है, कौन मोटा है, हर आदमी कॉन्फिडेंट है यार, आदमी है औरत, ऐसा कुछ कुछ अलग नहीं है। और इस फिल्म के जरिए हम कहना भी ये चाहते हैं कि इंसान के मोटे पतले काले गोरे होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि उसका इंसान वो कैसा है, उसका दिल कैसा है, वो स्वभाव कैसा है उसका लोगों के साथ, वो बहुत मैटर करता है। हमारी फिल्म भी यही कहीं ना कहीं कह के जाती है। अब ये तो मुझे लगता है कि एक हर वक्त की एक एक बात होती है, आज इन्फ्लुएंसर्स का सहारा मिलना पड़ता है फिल्म प्रमोट करने के लिए, पहले किसी और का लेना पड़ता आगे किसी और, ये तो वक्त है जो बदलता रहता है, बट मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ चल रही होती है यंगस्टर्स के अंदर, जो यंगस्टर्स क्या है, हमारा जो यूथ है वो एकदम से गर्म होता है, फिर एकदम से कुछ और आता है, फिर कुछ और बदल जाता है, तो उसके साथ हमें भी चलना पड़ता है, तो सपोर्ट तो मिलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यूथ जो है हमारा वही देख रहा है आज के दिन। आप देख रहे हो हम जो कहना चाहते हैं वो मैं बता सकता हूँ, हम ये कहना चाहते हैं फिल्म के ज़रिए कि हमें लाइफ दूसरों के इशारों पे या दूसरों के हिसाब से नहीं जीनी चाहिए, हमें ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे ये ना सोचें, हमें कैसा लगेगा, हमारे लिए वो क्या सही है या गलत है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यार मुकेश जी को बुला दो भाई, मुकेश जी हाय सर। हाँ हाँ यही है, ऊपर 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 आ जाओ ना, इन्फिनिटी में हो ना। आई फील गुड, इट्स जस्ट दैट द बेस्ट पार्ट इज दैट माई द प्रोडक्शन नेम इज़ ऑन माई नेम, इट इज़ एना प्रोडक्शंस एंड माई मॉम, शी डिड अ ग्रेट जॉब, अभिषेक भैया द डायरेक्टर, सना दीदी एंड द कास्ट वॉज रियली अमेजिंग, आई फील रियली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you, thank you.
हाय सो बेसिकली अभी जो फिल्म है सरोज का रिश्ता इट्स अ लव स्टोरी और जो हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं जो सरोज प्ले कर रही हैं सना वो बेसिकली ओके हाय हाय तो सो ये फिल्म में हमारी जो सरोज का रिश्ता है इसमें जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं सना जो सरोज प्ले कर रही हैं द स्टोरी इज़ अबाउट हर एंड हाउ शी इज चैलेंज्ड बाय एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल जजिंग हाउ यू आर मोटे पतले बड़े छोटे वो सारी जो जजमेंट होती है उसको लेकर के एक हमने एक स्वीट सी फिल्म बनाई है तो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट एंड इट्स अबाउट लव इट्स अ लव स्टोरी नो मैटर हाउ यू आर मोटे पतले जैसे भी हो इट डजेंट मैटर वी शुडंट जज ईच अदर एंड वी शुड जस्ट कनेक्ट एंड लव ईच अदर सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट See, the thing is, we're not really focusing on the body shaming aspect. We want to focus on the aspect that she's a human being and she's capable of love. She can give love and she's fully capable of receiving love, no matter her shape, size or whatever. So it's not really focusing on that. It's focusing on the sweet love story, the people that she is pursuing. So it's mostly about that. Thank you. अरे यार जल्दी आना बनता है शादी का सीज़न आने वाला है और हमारी फिल्म भले ही 4 साल के बाद आ रही है बट जैसा कि नाम है फिल्म का सरोज का रिश्ता तो वो मूवी भी एक शादी के ऊपर है और एक अच्छी लव स्टोरी है इस बार मेरा किरदार थोड़ा सा डिफरेंट है एक ऐसे लड़के का किरदार है जो फिटनेस से बहुत प्यार करता है और उसको शादी उसी लड़की से करनी है जो लड़की बहुत फिट है और वो हमें मिलती है सरोज के चेहरे में आई थिंक जो कहानी है उससे ऑडियंस को ये पता चलेगा कि आप जैसे हो वैसे ही रहो किसी और इंसान के लिए बदलो मत स्पेशली फिजिकल अपीयरेंस अपना यार मुझे लगता नहीं है कि मैं रियलिटी शोज़ के लिए रेडी हूँ अभी बट इन फ्यूचर यस डेफिनेटली आई ट्राई अगर फ्यूचर में कुछ मिलता है अभी तो आई डोंट थिंक कि मैं रेडी हूँ यार फाइनली फिल्म 4-5 साल के बाद आ रही है तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आए क्योंकि बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है एंड आई एम श्योर कि जितने लोग भी देखेंगे उन्हें पसंद आएगी थैंक यू कैसे भाई लोग सब ये ज़रूरी है भाई बहुत ज़रूरी है मुझसे पूछो
ये बहुत ज़रूरी था आना, ताकि जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं ना उनके लिए राहत है, ये खुश हो जाएगी। काफ़ी लड़कियों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए ये फिल्म आने के बाद। तो मुझे लगता है बॉडी शेमिंग ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई, अभी सब ख़त्म होना चाहिए। एंड हमें अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना चाहिए, जैसी भी स्किन है, क्या बोलते हैं, करेक्ट ना? Why not? I'll be. So I used to get opportunities when I was not that famous. तो मुझे लगा थोड़ा सा लोग जानने लगे उसके बाद मैं शोज करूँ टी वी। I think this is the right time. If I'll get opportunity, I will grab it for sure. I would like everybody to go in theaters and watch this film. It's a beautiful film made with lots of effort and love. I think सबको देखना चाहिए जाके थिएटर में जाके दोस्तों ये पिक्चर देखो। Hello everyone. एक्चुअली मैं खुद भी इस फिल्म में आर्टिस्ट हूँ और आई एम प्लेइंग चिंतन। तो मेरा सरोज से झगड़ा रहता है और सरोज वैसे मतलब हमारी ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छी दोस्ती है, बट पूरी पिक्चर में मैं उसको तंग करता रहता हूँ, उसके परिवार वालों को भी। तो उसी के लिए ये इट्स ऑल अबाउट एंड बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी है। जो आजकल लोग इश्यूज देखते हैं कि वेट बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम होती है, जज करते हैं बेसिकली, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। थैंक यू। आप सब लोग एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। आज हमारी पहली स्क्रीनिंग है, मेरी फैमिली यहाँ होने वाली है, सबको मैं पहली बार दिखाने वाली हूँ, सो आई एम क्वाइट नर्वस बट रियली एक्साइटेड। आई होप सब आकर कल ये फिल्म देखें और इसे उतना ही पसंद करें जितना हमने पसंद किया है बनाने में। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप, हाँ जी। तो हाँ, हमारी जो कहानी है वो बेसिकली एक लव स्टोरी है, पर इसके साथ साथ एक पैरेलल लाइन एक मैसेज भी छोड़ती है कि आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। अगर आप पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें और अपनी यूनिकनेस से प्यार करें, और फिर ज़िंदगी में मोहब्बत तो आ जाएगी। और हमारी बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत सारी आशिकी है इस फिल्म में, मज़े हैं, मस्ती है और बहुत इंटरेस्टिंग बॉन्ड्स हैं। जैसे कि एक फादर डॉटर का बॉन्ड आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि मेरे फादर का कैरेक्टर जो मिस्टर कुमुद मिश्रा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऐसे फादर हैं जो बिलीव करते हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो वो एक बॉन्ड है, दोस्ती का बॉन्ड है। तो आई थिंक ये सब है इस फिल्म में। मीडिया क्या ओके यस मुझे जी मेरे
जो डायरेक्टर साहब हैं अभिषेक सक्सेना, उन्होंने कुछ रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर किए हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ उनको पढ़ के और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के, इतने अमेजिंग स्टार्स मिलके, तो ये इट मेक्स मी फील रियली गुड कि ऐसी फिल्म की एक मार्केट है, ऐसी फिल्म लोगों को पसंद आ गई. अगर क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उन्हें एंटरटेनिंग लगी, जो आई थिंक बहुत कॉमन बात है जो सारे रिव्यूज़ ने कही है, क्योंकि ये फिल्म है एंटरटेनिंग, ये फिल्म है फुल मस्ती मज़ा फन. तो आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड विद द अमेजिंग रिव्यूज़ एंड आई होप कि जब आप लोग तक भी पहुँचे तो आप लोग को भी इंकरेजमेंट मिले आके इस फिल्म को देखने के लिए. ओके गाइस, डन. ऑलराइट, थैंक यू. ओके, थैंक. अमेजिंग तो होगा ही, सरोज का रिश्ता है एंड प्लस सरोज से भी रिश्ता है, सो आई थिंक यह अमेजिंग है, बट इट्स गुड. ये फ्लेवर की फिल्में बहुत कम आती हैं एंड आई एम हैप्पी दैट द ट्रेंड हैज स्टार्टेड अगेन, सो इट्स लुकिंग गुड फॉर द स्मॉलर फिल्म. एंड आई विल शेयर समथिंग एक्साइटिंग वेरी सून, दैट्स अ प्रॉमिस, बिफोर दिस ईयर एंड्स फॉर श्योर. थैंक यू, सी यू. I think Sana should come. She has to be here. Hi, Sana. Welcome, Ji. Hi, hi. Ji, come. Papa, sorry. Sorry, mommy. Is there a gula? Hi, hi. No, I'm not. Yes. Okay. अच्छा मुद्दा सामने आ रहा है कि हमें किसी के लिए बदलना नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, ऐसा मुझे लगता है और मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ को. और ये फिल्म बहुत दिलचस्प लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और हंसी मजाक वाली है, बहुत सीरियस नहीं है, दैट्स नाइस. और मैं सना के लिए बहुत, आई फील वेरी प्राउड कि शी चोज अ फिल्म लाइक दिस टू डू, विच इज़ वेरी नाइस एंड इट टेक्स अ बोल्ड स्टेप टू डू समथिंग लाइक दिस. And I'm very proud of you. Thank you, thank guys. You. I'm just thrilled about the fact that my daughter's film is releasing and that she's right here. We are next to her. There cannot be a better moment in life. I'm so elated to be here with her. It's a wonderful moment. Thanks. And I have my best wishes for the film to my daughter and to the entire unit. काफ़ी नर्वस हूँ ऑफकोर्स लोगों के देखने के लिए, बट ऑल्सो मोमेंट एक्ट यहाँ होने के लिए, क्योंकि मैं भी फिल्म पहली बार देख रही हूँ और ये भी फिल्म पहली बार देखेंगे, तो मैं देखना चाहती हूँ कि फिल्म देखने के बाद इनका रिएक्शन क्या होगा.
I didn't quite get you. शानदार में तो हम लोग साथ थे ही. We were together in Shandar and I look forward to any project with my daughter. I'm very keen to do that in case there is somebody who thinks of it. Same. I would love to work with us. So thank you so much. क्या पूछना है जॉब ने आप? बहुत अच्छे से मैसेज जाएंगे और जो है सरोज का रिश्ता वो लोगों के साथ रोज का रिश्ता बना लेगा. और मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने फिलहाल सना के साथ हमारा एक वेब सीरीज हुआ है एंड गुजराती में दो कहावत है, एक मोर ना इंडा चितरवा ना पड़े, यानी जो मोर होते हैं उनके अंडे जैसे कलाकार के इतने दिग्गज कलाकारों की बेटी है वो सुपर टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम करती है एंड मैंने जितना भी उसका काम देखा है आई एम वेरी श्योर, मैं बहुत एक्साइटली वेट कर रहा हूँ सरोज का रिश्ता देखने के लिए एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एंटरटेनर. ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लक टू द एंटायर टीम. थैंक यू. अरे इतनी आसानी से नहीं ब्रो, तुम ये थोड़ा लड़ो ये मैसेज भेज के आंसर जी हम बहुत साल बाद तीनों साथ में बहुत दिन नहीं हुए यार. हां साथ में एक्चुअली हां साथ में तो काफी टाइम हो गया. 4 साल में लीप ईयर हो जाता है भाई. हाँ, तो 4 साल हो गए काफी टाइम के बाद हम तीनों मिले हैं एक्चुअली. तीनों वैसे ही हैं जैसे थे. एग्जैक्टली
एग्जैक्टली कुछ नहीं बदला, हमारी दोस्ती भी वैसी है जैसी, सब कुछ वैसे ही, कुछ नहीं बदला, सिर्फ ये थोड़ा सा पतला हो गया है। हाँ थोड़ा सा भी ज्यादा ही पतला हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, घर की खेती है। जी आप लोग बताएं। सब बहुत खुश है क्योंकि इतने टाइम बाद हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो सब बहुत खुश है और खुश होना भी चाहिए। रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला उसका, क्या आपको क्या फील है? यार मेरे को ना आधा सुनाई दिया प्लीज। आपके दोस्त और आपके परिवार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है? यार जिन्होंने ट्रेलर देखे हैं और थोड़े सॉन्ग्स देखे हैं, दे आर रियली कनेक्टिंग विद इट और उन्हें पसंद आ रहा है काफी। थोड़े सॉन्ग्स क्या होते हैं? थोड़े नहीं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, 4-5 सॉन्ग्स हैं। आपको नंबर पता है, प्रिसाइज नंबर पता है तो बता दो रणदीप, आप ही शर्माते नहीं हैं। 6 सॉन्ग, तो सारे सॉन्ग जिन्होंने देखे हैं और ट्रेलर देखा है उनको काफी पसंद आया। यार राइट, 6 सॉन्ग या मैं खुद देखना चाहता हूँ। हम लोग, आप लोगों ने देखी है क्या फिल्म पहले? नहीं नहीं ना, नॉट रियली, कंप्लीट नहीं देखी है, नहीं देखी है, कंप्लीट हम पहली बार देख रहे हैं, देखने को मिलेगी पहली बार, सो वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। यस वेरी एक्साइटेड, चलिए आप देखिए पिक्चर, व्हाट डू यू से, चलिए, ओके गाइस कम लेट्स सी द फिल्म, चलो। आई वुड लाइक टू से कि हमारा सिनेमा चेंज होता जा रहा है, काफ़ी चेंज हो रहा है, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और उसके साथ साथ नए नए एक्टर्स को भी मौका मिल रहा है और बहुत सारे टैलेंट बाहर निकल कर आ रहे हैं। सो आई थिंक ये उनके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और एज हम कहते हैं कि जो कंटेंट इज़ द हीरो, सो वो दौर आ गया है कि जो राइटिंग है, जो कंटेंट है, वो फिल्म का हीरो है, वो फिल्म का हीरो है। सो आई थिंक मुझे ये फिल्म से वही एक्सपेक्टेशन है। यस अभी एक शूटिंग ख़त्म हुई है हमारी वेब सीरीज़ की, सो बस आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर वेब सीरीज़ आ जाएगी, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू डेब्यू ऑन OTT। थैंक यू। वेल हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, मैंने इसे कुछ रशेज भी देखे हैं बिकॉज जो अभिषेक भाव है, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, इज़ अ डियर फ्रेंड और ऑब्वियसली रणदीप भी है उसमें, तो मैंने कुछ रशेज देखे हैं इस चीज़ के, मूवी के, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जो आई थिंक जिसे कहते हैं ना सिटकॉम्स, सिचुएशनल कॉमेडी काफ़ी है उसमें एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। वी जस्ट कैन नॉट वेट कि कब रिव्यूज़ आएंगे और कब हम देख पाएंगे कभी सुपर हिट हो जाए। Well, same goes to me. Trailer काफी interesting था, and I'm just waiting to watch the film so that I can probably give you guys more insiders. Well, एक आ गया, दूसरा आना बाकी है, so I guess we should wait. एक और आने वाला है, so just wait for it. Yeah. Yeah, actually. Yeah, and thank you. Yeah, actually, दूसरा भी आने वाला है. So yeah, just thank you for the love and. Let's not talk about us, let's talk about the film. Hum yahan pe aaye the, acha nahi lagta na? Well, I think let's keep it under wrap and jab koi new project aayega, you guys will be invited and aap logo ko bataya jayega, aap logo ko pata chal hi jayega, hum kahan chupa payenge. Thank you. All right, thanks. Thanks guys. Hello. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बहुत socially relevant फिल्म है, बहुत ऐसा मुद्दा है जो सबके सामने आना चाहिए और बहुत ही उसको लाइट वे में उसको ट्रीट किया गया है और उस चीज़ को एक कमज़ोरी नहीं, एक ताकत बनाया गया है और उसमें मैं एक छोटा सा किरदार निभा रही हूँ, तो जस्ट होपिंग दैट द फिल्म रियली डज वेल, इट विंस हार्ट्स, दैट्स इट।
नहीं, मैं माँ का नहीं, मैं चाची का किरदार, गंदी चाची का किरदार निभा रही हूँ इसमें. तो बट यस, पार्ट ऑफ द जॉब. आई लव डूइंग व्हाट आई डिड एंड जस्ट वेटिंग कि आप लोग सबको पसंद आए फिल्म. अरे ऑनेस्टली जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार तो बहुत अच्छी लग रही है. सो बस ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ हमारी फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत ज़रूरत है इसे. और फिल्म ज़रूर देखिए और मुझे पसंद ना कीजिए ना कीजिए, फिल्म ज़रूर पसंद कीजिए. मेरी कोइंसिडेंटली मेरी कल एक और फिल्म आ रही है ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड जोगी, विच इज़ विथ दिलजीत दोसांझ. तो द लास्ट सॉन्ग जिसको, ये 84 रायट्स के ऊपर फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है एंड आई थिंक सबको देखनी चाहिए ये फिल्म. तो लगे हाथ मैंने कहा कि एक के साथ दूसरा फ्री, तो प्लीज़ मेरी दूसरी फिल्म भी देखिएगा. सो प्लीज़ वॉच बोथ द फिल्म्स. Of course, that's a very intense, dark film, whereas this is a very light-hearted, very cute film. So, please, अपने अपनी जगह दोनों अच्छी हैं तो दोनों देखिएगा. Okay. Thank you. Because at the end of the day, it gives the vibe of a family entertainer, which you can go with your children and your entire family. And enjoy it together, because I don't remember when was the last time I went with my parents and I could take everybody in my family and enjoy a movie saath mein. You know, aajkal family films bahut kam banti hain. So this is a full time family entertainer and it has a lot of good humor. Yeah. Actually, there is one, but I'm not allowed to talk about it right now. It's contracts. So I've done a show recently, which is about, you know, जब हम मर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? What is the afterlife? So the show is on that, and that's also, it's humor, satire, it's dark and funny at the same time. Like to go to Jhalak Dikhla Ja. I've been a dancer, so I'm trained in classical Kathak and I'm trained in ballet, jazz, contemporary. I love dancing, so I would like to go to Jhalak Dikhla Ja, rather Big Boss. Thank you.